जी कैसे हो आप सब। पहले तो आप ये देखो, एक्चुअली मैंने बोला था ना आपको कि मैंने अपने जन्मदिन के लिए कुछ शॉपिंग करने लग रही हूँ, और जो जो जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी मैं आपको दिखाती रहूंगी। ये दो गिफ्ट्स आए हैं मेरे, तो मैं अपने ओपन करती हूँ, ठीक है। ऑन कैमरा ही ओपन करूंगी मैं, यहाँ पे सेट लगा देती हूँ। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड दीजिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने जन्मदिन के लिए, देखो ये किताब है जो कि मैंने खुद के लिए दोबारा ऑर्डर करी है। ये मंदिरा बेदी जी है ना, उनकी किताब है। एक्चुअली पता है क्या बात थी कि ना, मैंने इनकी बुक का ना, मतलब मैं ऐसे रात को बैठी देखने लग रही थी कुछ अपने लिए, कुछ अच्छी किताबें आपको दिख रहा है, कुछ दिनों से मैं ऑर्डर करे जा रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ूंगी। तो इस पे लिखा हुआ था हैप्पी फॉर नो रीजन, और मुझे ना इनकी बुक अच्छा लगा, मेरे को लगा थोड़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा मुझे मेरी लाइफ को लेके, क्योंकि आपको भी पता है कि देखो उन्होंने भी अपनी अभी रिसेंटली अपने हस्बैंड को खोया है, उसके बाद कितनी प्राउडली और कितनी मोटिवेट कर रहे हैं ना सबको। और इसके अलावा भी मतलब इन्होंने काफ़ी अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जो मतलब मैंने सुनी है, लेकिन एक होता नहीं कि किताब पढ़ूंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो अब इसको मैं रख देती हूँ, बाद में बताऊँगी कैसी लगी पढ़ के। अब मैं अपना दूसरा गिफ्ट मैं आपको खोलती हूँ, और मैं सच कह रही हूँ, देखो ना यार लाइफ में ना, मतलब हम क्या सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कोई और हमें कुछ देगा, कोई गिफ्ट देगा, पर मैं तो आपको यही चीज़ सिखाती हूँ, आपका अगर कोई स्पेशल डे हो ना, आप उसके लिए खुद अपने पैसे जोड़िए, जमा करिए और खुद के लिए गिफ्ट ले लीजिए। किसी की इंतजार ही मत कीजिए कि कोई आपको गिफ्ट देगा, आप खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा गिफ्ट मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो ये देखिए, ये कुछ टी शर्ट्स हैं, प्लेन टी शर्ट्स हैं, अलग अलग कलर्स में, छह हैं। देखो एक वाइट है, एक रेड है, एक पर्पल है, ये एक ब्लैक है, ये ब्लू है और एक ये है। तो चलो मैं उनको ओपन करके देखती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना हाफ टी शर्ट तो है, मैं पहनती हूँ, लेकिन मेरे पास ना कोई भी ऐसी फुल टी शर्ट नहीं थी पूरी बाजू की, तो मुझे लगा सर्दियों में पहननी होती है, और मैंने ये एक्सल साइज ऑर्डर किया था, मुझे लगा मेरे एक्सल सही आएगा, थोड़ा सा मेरे को आइडिया हो जाता है ना हम पहनते हैं। तो ये देखिए कैसा है, आ जाएगी, मेरे को यहीं से देख के ही पता चल रही है, थोड़ी फंस के भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्दियां हैं, पहन ही जाएगी टी शर्ट, मुझे सही लगी। ये छह टी शर्ट थी, 200 की एक पड़ी आई थी मुझे, पता नहीं रेट रेट देख के पता कितना था, मैं भूल गई हूँ रेट, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इसको कितने में लिया था, इसमें लिख भी नहीं रखा अब। हाँ 1250 रुपये का आया है ये पूरा पैक, इसमें छह टी शर्ट्स आई है मेरी, ये देखो पहन लिया करूंगी अब से। तीसरा गिफ्ट जो कि मैंने खुद के लिए खरीदा है, वो मैंने अपने लंबे बालों के लिए खरीदा है। एक्चुअली आप भी जानते हो कि मैं अपने बालों पे किसी भी तरीके का मिनरल ऑयल्स, केमिकल्स लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे नेचुरल चीज़ें पसंद है जिसमें मिनरल ऑयल ना हो और आयुर्वेदिक चीज़ें हों, क्योंकि आज के टाइम में हम देखो घर में बैठ के DIY नहीं कर सकते, हम अच्छे अच्छे हर्ब्स लाकर घर पे, जैसे पहले के टाइम में ऋषि मुनि किया करते थे, वो तो हम काम नहीं कर सकते। तो मैं कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट अपने लिए मंगवाती हूँ जो कि बालों के लिए अच्छे हों, क्योंकि देखिए जो मार्केट में शॉप्स पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो दिखने में पैकेजिंग में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन आप जब उनके इंग्रेडिएंट्स अंदर से देखते हो ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले देखिए बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखाई देगा मिनरल ऑयल, किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है, पर ये जो मिनरल ऑयल होता है वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, आपके बालों को सफ़ेद करता है, आपके बाल टूटने लग जाते हैं, केमिकल्स होते हैं। एक बात बताइए, आप अपने बालों पर आप पैसे लगा रहे हो तो क्या अपने बालों को ख़राब करने के लिए पैसे तो नहीं लगाना चाहते ना, उसे बढ़िया आप कुछ ऐसी चीज में अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिए जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि अब विंटर्स आने वाली है, और आपको भी मैंने बताया था कि विंटर्स में बाल ऑलरेडी ज्यादा झड़ते हैं, ज्यादा कोम में बाल निकलेंगे, तो इसलिए आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आप नेचर श्योर है कि मैंने क्या प्रोडक्ट यूज किया है, क्या मंगवाया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मंगवाया है नेचर श्योर की तरफ से हेयर ग्रोथ ऑयल, आप इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए इसके अंदर कितने सारे इंग्रेडिएंट्स है, इसमें नील, ग्रीन गड़ी, इसके अलावा केशराज, दुतूरा,
और तिल, त्रिफला, ये सब देखिए इसमें हमें एक तरीके से पिक्चर्स की तौर पे भी हमें दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमें सारे आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो वो प्रोवाइड किए गए हैं। ये मेरा दूसरा पैकेट है, मैं इससे पहले इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे यूज़ करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उनमें कहीं भी आपको मिनरल ऑयल नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि है ही नहीं, सब कुछ बिल्कुल हमारे आयुर्वेद से लिया हुआ है। सारा जो इसका कंसेप्ट है, कंपोजिशन है, बहुत ही अच्छी आयुर्वेदा से लिया हुआ है, तो आपको ये इसे यूज़ करना चाहिए। और जो केमिकल वाले, जो आप मिनरल ऑयल वाले जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको अपने घर से टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए। तो अब इसका मैं आपको प्राइस वाइज बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मेरे को 339 प्रिंट रेट है, पर मुझे एक्चुअली जैसे हम नेचर श्योर की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, तो वो आप अवेल करिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दूंगी, आप वहाँ जाइएगा। और इसकी देखिए एक्सपायरी डेट भी 3 साल की है, तो आपको कोई भी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन कम होगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन में ना, माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वो पेरिशेबल होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए इसमें हमें 3 साल का अच्छा खासा टाइम स्पेंड मिल रहा है। तो चलिए मैं अब इसको खोल के ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमें कुछ इस तरीके की पैकेजिंग मिल रही है। देखो नेचर श्योर की तरफ से हेयर ग्रोथ ऑयल लिखा हुआ है, और देखिए सबसे बड़ी चीज़, ये GMP सर्टिफाइड है। देखिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा, मतलब इसको अप्रूवल मिला हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। तो जी, आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में तो सुना होगा, पर कभी एंटी डैंड्रफ ऑयल के बारे में सुना है? तो जी अब सुन लीजिए, ये जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ नेचर श्योर की तरफ से, एंटी डैंड्रफ ऑयल है। मींस आप इसकी रेगुलर ऑयलिंग करोगे अपने बालों में, तो आपको जो विंटर्स में जो डैंड्रफ का दिक्कत होती है वो भी बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये आपके बालों की जैसे जैसे जो गंजापन होता है उसे भी दूर करता है, बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है बिल्कुल ही। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कुछ, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, स्केल फ्लेकल्स नाम से कुछ दिक्कत हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि कई लोगों के क्या होता है, बालों में सिर में खुश्की होती है थोड़ी सी ना, वो बड़ी अजीब सी दिखती है, तो उसको भी बिल्कुल अच्छे से ये क्योर कर देता है। इसके अलावा ये आपके बालों को सफ़ेद होने से तो रोकता ही रोकता है, साथ में आप जैसे धूप में गर्मी में घूमते हैं, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर जिसको मैं अभी दूर करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ना सिर्फ फेस के लिए सनस्क्रीन होती है और बालों के लिए नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जब हम धूप में घूमते हैं तो हमारे जैसे ये सन की जो रेज पड़ती है हमारे बालों में, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो हमें अगर इससे प्रिवेंट करना है तो हमें ये ऑयलिंग रेगुलर तौर पर यूज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात लगती है ना सुनने में, तो इसीलिए ही इतने अच्छे अच्छे इसमें क्वालिटीज़ हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं नेचर श्योर के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो आने वाले दिनों में भी मैं इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट है जिनको मैं अभी यूज़ करने लग रही हूँ, मैं शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ, उसका भी मैं बहुत अच्छा रिव्यू आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और मेरे अब बाल बिल्कुल नहीं टूटते हैं, काफ़ी मजबूत हो गए हैं। तो मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी कि मिनरल ऑयल आप चेक कीजिएगा, आप ना आज ही चेक कीजिएगा, जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो घर में, आप उसमें आप पीछे लिखा होता है ना इंग्रेडिएंट्स में, देखिएगा उसमें मिनरल ऑयल है और कितने परसेंट है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है जब आपको पता चलेगा ना कि उसमें इतना सारा केमिकल है, तो आप वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले हो, और फटाफट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ये नेचर श्योर की तरफ से हेयर ग्रोथ ऑयल ज़रूर ऑर्डर करने वाले हो। और ये ऑयल सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए है, क्योंकि बालों की जो समस्या होती है सिर्फ लेडीज़ को नहीं होती है, जेंट्स को भी होती है। तो आप ये जल्दी से प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, इसे ऑर्डर कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके अलावा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको नेचर श्योर के हर प्रोडक्ट पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, तो आप डिस्काउंट अवेल कीजिए और मुझे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और मुझे कमेंट करके बाद में बताइएगा कि आपको नेचर श्योर की तरफ से हेयर ग्रोथ ऑयल कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, इसीलिए मैं अपने इस प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमेशा लाइफ को खुशी से इंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।